ये ताज मोहम्मद रंगरेज हैं और ये हमारे इस सीज़न के पहले 1 करोड़ रुपए विजेता, और मैं बहुत बहुत मुझे आश्चर्य हुआ, बहुत देर से ये प्रयत्न करते रहे और उसके बाद ये जीत करके गए और इतनी अच्छे तरीके से इन्होंने गेम खेला है, बहुत ही सहज इनका स्वभाव, बहुत ही सरल इंसान, और बहुत समय इन्होंने बिताया है लिखने में, पढ़ने में। इन्होंने कुरान पढ़ा, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ा, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा, बाइबल पढ़ा, सब के ऊपर पढ़ा, और जो इनका जो सीख इन्होंने दी उसको पढ़ने के बाद, तो कहा कि देखिए मज़हब का होना तो सबका एक अधिकार है, लेकिन जितने भी मज़हब मैंने पढ़े उसमें एक ही बात देखी कि सब में जो बातें हैं वो एक सी कही गई, ये भेदभाव क्यों होता है। और इतनी सुंदरता से इन्होंने इस बात को हमारे शो में आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये हैं ताज मोहम्मद रंगरेज, और बहुत ही सरल स्वभाव इनका, देख के लगता नहीं है कि ये 1 करोड़ रुपए के विजेता बन गए। ताज आप कुछ बहने आप एक मिनट ठहरिए, इससे पहले कि इनके जो इनको जो प्रोत्साहित किया है जीवन में, कहाँ है वो, आइए, ये इनकी बड़ी बहन है, बस बस ये मत किया कीजिए, इनकी वजह से ये हैं, इन्होंने सब कुछ, इनको मैंने इनसे कहा कि इन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और इनको पढ़ाने लिखने के लिए और इनको बड़ा करने में, लेकिन कहा ये त्याग नहीं है, मेरा कर्तव्य था कि मैं ताज को इस लायक बनाऊं कि वो एक दिन आकर के अपना नाम कमा सके। बहुत बहुत बधाई आप कुछ बोलिए, और ये ताज हैं। ताज जी आप क्या कहेंगे, बिग बी के सामने 1 करोड़पति विनर बन चुके हैं आप, 1 करोड़ के विजेता हैं, अपनी एक्साइटमेंट को आज खुल कर कहना हो तो कैसे कहेंगे, कुछ एक्साइटमेंट देख सकते हैं हम आपकी? देखिए सर, मेरे लिए सबसे जिंदगी का एक ऐसा क्षण है जो जिंदगी की एक याद बन जाएगा आने वाले समय में, और हमेशा इसी याद के सहारे में बहुत लंबे समय तक जी सकता हूँ। जिन शख्स के साथ खड़े होने में दुनिया तरसती है वो मेरे सामने बैठकर मुझे खिला रहे हैं, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। मैं कहना चाहूँगा इनके बारे में कि खुदा तो मिल जाता है, इंसान नहीं मिलते, ये जो चीज़ है जो देखी है कहीं कहीं में। मैडम आप चिल्लाइएगा इसके बाद, इनका जो स्वभाव है उससे क्यों आप बदल रहे हैं? अच्छा जी, जब आप बच्चे साहब के साथ में जब आप खेल रहे थे 1 करोड़ के, जब आपने पहले सवाल से जब शुरू किया तो आपने सोचा था कि 1 करोड़ का ये जो सीढ़ी है, ये जो पायदान है, धनराशि यहाँ तक पहुँच पाएंगे? मैं तो ये भी नहीं सोचा था सर कि मैं हॉट सीट पर पहुँच पाऊँगा या नहीं। आप 1 करोड़ की बात कर रहे हैं है ना, लेकिन जैसे जैसे प्रश्न आते गए, जिंदगी के रास्ते आसान होते गए, उत्तर भी आते गए, और मैं कहता हूँ मेरी इंटेलिजेंसी नहीं, ये सर और मेरी बहन और खुदा की दुआओं का नतीजा है, वरना इंटेलिजेंट तो दुनिया में बहुत सारे लोग काफी देर तक ये फास्ट फिंगर खेला इन्होंने और असफल रहे कई बार, लेकिन अंत में ये विजयी हुए और हॉट सीट पर आते ही ये 1 करोड़ रुपए जीते। अच्छा, तो जैसे जैसे सवाल आते गए और आप धनराशि 1 करोड़ के करीब पहुंचते गए, तो आपको कभी ऐसा लगा कि बीच में क्विट कर देना चाहिए, पता नहीं क्या होगा? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं एक बात जी, ये शायद मैं गलत होगा लेकिन सिद्धार्थ मुझे बताएंगे कि ये पहले कंटेस्टेंट हैं जो 1 करोड़ रुपए जीते और इनके पास 2 लाइफलाइन जीवित थी तभी भी, और इसके बाद जब ये 3 करोड़ का प्रश्न आया तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं क्विट करूँगा, क्योंकि जो लाइफलाइन बची हैं इनको अगर मैं इस्तेमाल भी करूँगा तो उनसे मुझे इसका उत्तर नहीं मिलने वाला। तो शायद पहली दफ़ा ये हुआ है कि 1 करोड़ रुपए का जो विजेता है उसके पास 2 लाइफलाइन जीवित थी अभी। ये बताइए, अब 1 करोड़ रुपए के मालिक बन चुके हैं आप, क्या करेंगे इस पैसों का, क्या कुछ सोचा है, क्या प्लान है आप? देखिए मैं जब आया था तब मेरे सामने एक मकसद था कि मैं अपनी बेटी की आँखों का इलाज करवाऊँ, है ना। तो मैं बता देता हूँ उनके बारे में, ताज की एक छोटी बच्ची है और काफ़ी देर तक उम्र में इनको पता नहीं चला कि वो बच्ची जो है वो चलते चलते कभी दीवार से टकरा जाए, कभी किसी फर्नीचर से टकरा जाए, और इनको पता नहीं होता था क्या वजह है। तो फिर इन्होंने डॉक्टरों को दिखाया और तब इनको पता चला, पैदाइश के कितने वर्ष के बाद, लगभग 1 साल के बाद, 1 साल के बाद उन्हें पता चला कि उनको दिखाई नहीं देता बच्ची को ठीक से, उनकी आँख बराबर है, सब कुछ ठीक है, एक कोई नस है जो कि दबी हुई है और उसकी वजह से उनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका इलाज वो करवाना चाह रहे हैं, उसका इलाज हो सकता है, और इनका ऐसा मन था कि अगर विदेश में जाकर, इनको बताया गया कि विदेश में अगर इसका इलाज होगा तो वो ठीक पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, तो अब वो इलाज के लिए ज़रूर जाएंगे और अपनी बेटी का इलाज करवाएंगे।
ताजी इलाज तो ठीक है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जब जब लोगों के पास पैसे आते हैं, आपके पास तो रातों रात करोड़ रुपए आ गए, तो लोगों के जो है दोस्त यार भी बढ़ते जाते हैं आपसे। सबसे पहले कोई अभी तक आपसे इस तरह से किसी की दोस्ती हुई, तो सबसे पहले विश किसने किया? सर हम राजस्थान से आए हुए हैं, है ना, और जो विश करने वाले थे वो तो मोबाइल मैंने वैसे ही स्विच ऑफ रख रखा है, पहली बात तो है ना, तो मुझे तो जाने के बाद ही और शो जारी होने के बाद ही पता चलेगा कि कितने लोग मुझे चाहते हैं और कितने लोग नहीं चाहते हैं, अभी तो मैं कैसे बता सकता हूँ आपको। Anything else? Thank you so much. Thank you.